तो इस चैप्टर का आखिरी सवाल देखेंगे जो कि कैलोरीमेट्री से है। इसमें बताया गया एम ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। क्वेश्चन को मैं एक बार बताता हूँ यहाँ पर कि एम ग्राम स्टीम है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और जो दूसरा है वो है 200 ग्राम आइस एट मेल्टिंग पॉइंट, का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो है वो मेल्ट होता है। फाइनली कहा गया इफ इट प्रोड्यूसेज लिक्विड वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि फाइनली जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो स्टीम जो है वो कंडेंस होकर के वाटर में बदल गया होगा, आइस मेल्ट होकर के वाटर में बदल गया होगा, और फाइनल जो है स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। दिया गया हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। तो एम का वैल्यू बताना है, यानी स्टीम का मास जो है वो कितना था। तो हमें पता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर में बदल गया है तो पहले तो स्टीम को कंडेंस होना पड़ेगा, कंडेंस होने में कितना हीट निकलेगा, इसमें से हीट बाहर निकलेगा जब यह कंडेंस होगा, तो कितना मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट वेपराइजेशन जो है 540 दिया गया है और ये मास जो है एम हो गया। एम ये ग्राम में हम लोग रखेंगे और ये है कैलोरी पर ग्राम, ठीक। अब जब ये कंडेंस होगा तो ये बदल जाएगा वाटर में, वाटर में होगा लेकिन 100 पर ही होगा, है ना। यहाँ पर कोई टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम था, कंडेंस होकर के इतनी एनर्जी निकलेगी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में रहेगा। अब वाटर का टेम्परेचर 100 से ले जाना है 40, तो फिर से एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी, वो कितनी रिलीज होगी, एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लगाते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो मास है एम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 1 होता है, और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर है 40 और इनिशियल टेम्परेचर है 100, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60 m, है ना। इतना कैलोरी यहाँ एनर्जी निकली और इतना कैलोरी यहाँ एनर्जी निकली, ठीक। ये एनर्जी जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा होगा, ये आइस जो है एनर्जी कंज्यूम करके 40 डिग्री सेल्सियस पर बने जाएगा जो कि वाटर के फॉर्म में है। तो पहले इस आइस को मेल्ट करने में कुछ एनर्जी खर्च होगी, मान लेता हूँ कि Q2 एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है यहाँ पर कंज्यूम होगी, ये एनर्जी रिलीज थी, ये हो गया रिलीज्ड एनर्जी, और ये गेन इन एनर्जी है, ये एनर्जी लेगा तब जाकर के मेल्ट होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहले मेल्ट होने का निकालते हैं, मास है 200 ग्राम, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते हैं एम इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो मास है 200 और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 80 कैलोरी पर ग्राम दिया गया है ना, तो ये हो गया 16,000 कैलोरी। इतना एनर्जी हुआ लगेगा मेल्ट होने में, मेल्ट होने के बाद ये आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, लेकिन है ना आइस एक्चुअली में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। हमें इसको वाटर के फॉर्म में 40 तक ले जाना है, तो फिर से 40 डिग्री तक ले जाने में कुछ एनर्जी खर्च होगी, इसको Q3 कह देता हूँ और ये Q4। तो इस बार टेम्परेचर बढ़ाना है तो MS डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मास है 200 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 1 होता है, और डेल्टा टी है 40 माइनस 0, है ना, तो ये हो जाएगा 8000। अब इतनी एनर्जी का गेन हुआ, इतनी एनर्जी वहाँ से रिलीज हुई थी, जितनी यहाँ से रिलीज हुई थी उतना ही ये गेन करेगा, है ना, क्योंकि कैलोरीमेट्रिक कॉन्सेप्ट होता है, एनर्जी कहीं जाती नहीं, एक जगह से एनर्जी आती है दूसरे में चली जाती है, ठीक। तो ये दोनों एनर्जी बराबर होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 600 m, और ये आएगा 16,000 और 8,000, है ना, ये हो जाएगा 24,000, है ना। तो ये जो है कैंसिल कर देंगे तो एम का जो वैल्यू है वो आ गया 40 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि जो स्टीम था वो 40 ग्राम था, है ना,
यहाँ पर हालांकि दिया नहीं गया है कि किस यूनिट में बताना है, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राम में बताते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 40 होना चाहिए।